सिंगरौली थाना बेड़ंग कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले कंजर गिरोह के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है। आरोपियों के पास से लगभग 1.5 लाख रुपए के 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो 6 महीने पूर्व फरियादी देवेंद्र ने थाना क्षेत्र बेड़ंग अंतर्गत डिलीवरी कुरियर स्टोर में हुई चोरी की घटना की जानकारी देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ बेड़ंग थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खोजबीन कर देवास के मऊखेड़ा दानी घाट से अंतर्राज्यीय साथी चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए के 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दिसंबर 2018 में ये फिलिप्स कार्ड का जो स्टोर था, इस स्टोर में चोरी हुई थी और लगातार 6 महीने से इस चोरी में प्रयास किया जा रहा था, बंधन नहीं मिल पा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में एक सूचना मिली और कुछ उसके जो चोरी गए मोबाइल थे वो चल रहे थे, जिसके आधार पर ट्रैकिंग करके देवास के पास घाट पिपरिया जगह है वहाँ पे कंजर गुरु का बहुत बड़ा सक्रिय चोरों का जो है अड्डा है, वहाँ से मुजरिम पकड़ के लाए गए। उसमें से 8 जो है मोबाइल बरामद किए गए हैं। संतोष गाड़िया करके जो अपराधी है, ये अपने साथी सोल्जर कंजर और साकिर इनके साथ आके चोरी करके गया था। 2 अभी इनकी तलाश है, साकिर और सोल्जर की, जिनके पास अन्य जो है चोरी के माल है उनकी तलाश की जा रही है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।